और अब आपके दिल को खुश करने वाली खबर भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार है, हर कोई सरकार को कोस रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्यावरण को बचाए रखने की जिम्मेदारी उठा रखी है, जिन्हें देखकर आपका भी कुछ करने का मन जरूर करेगा। ये बाबा है भाई। जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तो कोई कुदरत की परवाह में जाग रहा होता है, उसे दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की फिक्र है, आने वाली पीढ़ियों की परवाह है, लिहाजा उसने अपने जीवन को कुदरत के लिए सौंप दिया है। और राम सरन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और गुरुग्राम में सड़कों के किनारे और पार्कों में लगे पेड़ों को पानी देने में जुट जाते हैं। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए इन सभी युवाओं और बुजुर्गों ने कमान संभाली है हरा भरा गुरुग्राम बनाने की। यहाँ लोगों की मुहिम को बल मिल रहा है और लोग इसने काम में जुड़ रहे हैं। अच्छा लगता है कि मतलब हमारे सामने जब वो पेड़ ग्रो करते हैं, कभी आपने इतना सा पेड़ लगाया और जब वो धीरे 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 बढ़ करके और बड़ा होता चला जाता है, तो जब आपके आंखों के सामने पेड़ बनता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग सुबह सवेरे गुरुग्राम की सड़कों और पार्कों में निकल जाते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, जिससे साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाली बनी रहे। इनको इस काम में काफी मजा भी आ रहा है। हर बच्चे को आप संस्कार दीजिए कि बच्चे के जन्मदिन केक तो काट देते हैं, 1000 रुपया खर्च कर देते हैं, पर अपने बच्चों से उसके हर जन्मदिन पे अगर एक पेड़ भी लगवाए, अगर बच्चा 60 साल तक जिंदा रहा तो 60 पेड़ तो उसके नाम से लग जाए। हिंदुस्तान में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई की वजह से स्थिति काफी बेहाल है। कनाडा में प्रति व्यक्ति करीब 10,163 पेड़ हैं, तो बोलीविया में प्रति व्यक्ति 5,480 पेड़ हैं, फिनलैंड में हर शख्स पर 5,567 पेड़ हैं, तो रूस के प्रति व्यक्ति 4,856 पेड़ वहां के पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में एक शख्स के हिस्से करीब 28 पेड़ आते हैं। बढ़ता प्रदूषण और पेड़ों की कमी को देखते हुए सरकार भी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जैसे कार्यक्रम चला रही है। सरकार की मुहिम में न सिर्फ हर हिंदुस्तानी को जुड़ना चाहिए बल्कि राम सरन और राजेश जैसे लोगों से सीख लेकर भी काम करने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान दिया जा सके। टीम न्यूज नेशन। भारत कोरोना का कहर तो झेल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जंग में अच्छी खबर भी सामने आई है। देश में कोरोना से डेथ रेट लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर, लगातार कम हो रहा है डेथ रेट। भारत लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस दिशा में अच्छे संकेत भी मिलने लगे हैं। भले ही देश में कोरोना के मामले 80 लाख के करीब है, लेकिन फर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। देश में कोरोना मरीजों का मृत्यु दर 1.5% है, 22 मार्च के बाद से ये सबसे कम है। देश में 4 मई को महामारी से जुड़ी मृत्यु दर 3.23% थी। अगर देश में 24 घंटे में होने वाली मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है। देश के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, असम और केरल समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से मृत्यु दर 1% से कम है। लेकिन चिंता की खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,136 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 38 दिनों में एक दिन में सामने आए मामलों की सबसे अधिक तादाद है। मास्क जरूर लगाएं, दोनों चीजों से बचाव होगा, प्रदूषण से भी और कोरोना से भी। अगर अब बहुत सारे लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं और उनके अंदर फटीक भी आ गया कि इतने महीनों से मास्क लगा रहे हैं, इतने महीने, अब मुझे लगता है 2-3 महीने की बात हो रही है, तो ये सर्दियों तक कम से कम आप मास्क जरूर लगाएं और ये मुझे लगता है कि 1-2 महीने में काफी हद तक कम हो जाएगा। आंकड़ों से जाहिर है कि कोरोना से लड़ाई अभी जारी है। कोरोना को पूरी तरह हराना एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।